वो कहाँ जा रहा है, कितने में, तो इट्स इट वॉज लाइक दैट। 12 साल की लड़की को 6 साल के बच्चे के साथ में भेज रहे हैं। द फादर विल सेड टू द बॉय द चाइल्ड कि ये लो इतना पैसा लो, आप अपनी दीदी का ध्यान रखना। शी इज 12 ईयर ओल्ड एंड ही इज 6 ईयर्स ओल्ड बिकॉज ही इज अ मेन। दैट्स द एग्जाम्पल। और द सेकेंड थिंग इज एज आई टोल्ड यू, यू नो बींग अ फीमेल एथलीट हम लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ती है एंड टॉप ऑफ यू नो द ऑल द बॉडी का हम लोगों का स्ट्रक्चर जो चेंज होता रहता है मंथली उसमें। मेल के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होता, दे विल गो ऑन ऑन एंड ऑन ऑल द टाइम। जो इम्प्लॉयज हैं वो भी मेल फीमेल दोनों हैं। देखिए मुझे ना कहीं मुझे लगता है ना कि हमेशा जब हम लोग किसी से बात करते हैं या किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो वहां से वो कहता है जेंडर डाइवर्सिटी आपकी कितनी है। तो ऐसा लगता है ना जब किसी हम लोग फीमेल इम्प्लॉयज को हायर करते हैं ना तो लगता है कि कुछ हम लोग मतलब चैरिटी कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। That's what, you know, that's ये हाँ, that's very valid point, I can say that. मेरे को अभी in, I can say in my circle also, friend circle also, when they will call, they said, being a female, you achieve that thing, it's a very big, then I was saying, oh, seriously? Sports spirit नहीं आती है, बल्कि वो gender diversity है। That's what. How can you say, you know, it's being a female, what do you mean? You know, आपसे ज़्यादा काम हम लोग करते हैं। वी आर वेरी गुड इन मल्टी टास्किंग बींग अ फीमेल। घर संभालो, बच्चा देखो, इन लॉज देखो, काम देखो, सोसाइटी देखो, मेड को संभालो, टीचर्स को देखो स्कूल में, बच्चे का काम कराओ, वॉट एल्स यू वॉन्ट फ्रॉम अस। वो करने के बावजूद भी हम लोग सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हैं एंड वी टेक गुड बिग स्माइल ऑन आर फेस ऑल द टाइम। बींग अ मेल दे कांट, पका पकाया घर में मिलता है, बच्चे अपने आप बीवी टेक केयर कर रही है, जाके सिर्फ ऑफिस में काम करना है, दैट ओनली दे विल डू। सी डोंट फील नो, मेरा क्वेश्चन ये यहां पे ये है कि जैसे मैंने देखा है शादी हुई, आप सभी अब लोग काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, शादी होगी आप लोगों की, फर्स्ट थिंग यू विल गेट टू नो कि जॉब कब छोड़ोगे, जॉब कब छोड़ोगे, सबसे पहला ये कह रहा है। शादी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। नहीं और हाँ, नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, आप बैंगलोर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, इट्स नॉट पॉसिबल टू मैनेज योर हाउस और किचन विथ वन अर्निंग। उसमें अगर आपकी वाइफ काम कर रही है, आपका स्पाउस काम कर रहा है, उस पर पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यार तुम जॉब कब छोड़ोगे, और बच्चा अगर हो गया तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल की ही है। आप मैटरनिटी लीव सिर्फ लेडीज को दी जाती है, नहीं उसके तो पीछे रीजंस हैं बहुत सारे, क्योंकि फीडिंग होती है, बच्चों की फीड है, वो फाइन, दैट्स फाइन, लेकिन उससे पहले जो 9 महीने का स्ट्रगल होता है जब तक बच्चा आपके अंदर है, तो तब मैटरनिटी लीव लड़कों को क्यों नहीं देते टू टेक केयर ऑफ द फीमेल। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी तो नॉडिंग दे रहे हो ना। दैट्स ट्रू, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। अगर आपको कोई गन पॉइंट पे बोलेगा कि नहीं आपको शादी करनी है, शादी करके आप ही को जॉब क्यों छोड़ना है, एक काम करो आप जॉब छोड़ो, मैं आप बच्चा संभालो मैं करती हूँ, ये कोई फीमेल बोलता क्यों नहीं है? See, फीमेल बोलती है, लेकिन जो फीमेल बोलती है उनको एक्टिविस्ट बोल दिया जाता है, या हमारे यहाँ पे सोसाइटी का जो टैग है अच्छी लड़की का टैग नहीं मिलता है। सो बीइंग अ अच्छी लड़की, व्हाट वी आर सपोज टू डू इज जो सोसाइटी को पसंद है, जैसा कपड़ा पसंद है वही पहनेंगे, जो उन्हें पसंद है वही बोलेंगे। वी डोंट हैव आवर ओन चॉइस, हम लोगों का खुद का वॉइस नहीं होता, खुद का ब्रेन नहीं होता। लेकिन ये क्यों है भाई? तो मेरा क्वेश्चन यही है ना कि अगर आज मैंने देखा इंदिरा नवी का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने खुद बोला कि मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं इस जगह पे पहुंचने के लिए। एवरी फीमेल कैन डू एंड द फीमेल ओनली नो व्हाट दे डिड। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हो? मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है एक लेवल पे पहुंच के, शादी हुई खत्म, और 5 साल के बाद वो घर पे बैठी हुई है, क्योंकि गैप अगर हो गया, बच्चा स्कूल जाने लगा, वो अपनी दुनिया में है, हस्बैंड और वाइफ का इंटरेस्ट कम हो जाता है एक दूसरे के साथ, राइट? आप घर पे बैठे हो, सास बहू देख रहे हो, और उसके बाद अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो और पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप बहुत गैप आ चुका है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, आप लोग ऐसा क्यों? इंडिया
Obviously, if they go to go in that, then I'm missing that. But my question is, you have a brain. You have a brain. आपको अच्छा लगता है कि अपने हस्बैंड के पास जाओ और मुझे पैसे दो क्योंकि मुझे जरूरत है? क्यों करना है ये काम? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग अपोज क्यों नहीं कर सकते हो? सी इट्स आई कैन से दैट नाउ देयर आर फीमेल, दैट्स हाउ इट्स चेंज, दैट्स हाउ वी आर हियर। अपने लेवल पे आ जाती ना, सड़क जाती है जब वो, तो दो चीज करती है, या तो वो अपने आप को एकदम पूरा इंट्रोवर्ट कर देगी, या फिर ऐसा एक्सट्रोवर्ट करेगी ना कि जितने इन-लॉज हैं और जितने हस्बैंड्स हैं ना, उनकी वाट लग जाती है। See, we just like a fire, we can say that. Exactly. तो खाना पका भी सकते हैं और घर जला भी सकते हैं। Exactly. मेरा वही पॉइंट है यहाँ पे कि जब हम लोग ये मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला है, जितनी फीमेल्स मेरे लाइफ में है, मैंने उनको भी बोला कि यार आपको अपने पैरों पर स्टैंड करना है। That's very मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि when I lost my father, ठीक है, और जब मैंने फादर को किया तो मैं तो अपनी दुनिया में था, एकदम टीन एज, कुछ समझ में आ रहा। मेरी मॉम ने बिजनेस बहुत पहले ही टेक ओवर कर लिया था, जब पापा की हालत खराब हुई थी टेक ओवर कर लिया। अगर उन्होंने टेक ओवर नहीं किया होता ना, तो मैं आई वुड हैव बीन ऑन द रोड। तो उस समय फीमेल जो स्ट्रेंथ है वो दिखा मुझे कि बॉस आप देखो आप जहाँ अचीव किया है उसके पीछे कौन है। तो मैं सबसे बोलना चाहता हूँ ये चीज कि आप शादी भी करो, बच्चे भी संभालो, सब कुछ करो, लेकिन अपने पैरों पे खड़े रहो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। That what you know, I also mention one point in that. Whatever it is, आप चाहे 5,000 कमा रहे हो, 2,000 कमा रहे हो मंथली, whatever it is, that's only yours. You know, वो जो एक फील होता है ना कि that's my earning, that's very important for female. So that छोटी छोटी चीज के लिए, हाँ that's what, छोटी छोटी चीज के लिए आपको हर चीज के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। So all the females, I will, you know, I can't change anything, but I can say that, you know, I will tell to my children also, whatever it is, कि जब भी आप बड़े हो तो हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहो, don't depend on anyone. Earning is very important for a female. You know, because हम लोग allow करते हैं टू person टू dominate on ourselves, कि आप आओ और आके हमारी life को चलाओ। ये बहुत ही बड़ा topic है, बहुत ही vast spectrum है इसका, ऐसे ऐसे ongoing topic we have. Coming back to your achievement, okay, ये जो इसका next आपका क्या आप सोच रहे हो कि जैसे आपको कोई body building में आना चाहता हो, ठीक है, as a career they want to take it. क्या सजेशंस है उनका, करियर मैप क्या हो सकता है, करियर रोड पाथ क्या हो सकता है? आई वांट टू मेंशन वन थिंग व्हिच आई वांट, इट्स अ वुमन फिजिक, इट्स अ बॉडी बिल्डिंग, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी, आई एम नॉट फ्रॉम द बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी, आई एम फ्रॉम द फिजिक। फिजिक और फिगर, हाउ डू यू से दैट? फिजिक, फिजिक, सो वुमन फिजिक, ओके, सो द फिजिक इज अ डिफरेंट, व्हिच इज द बिकिनी फिजिक वी विल से, सो वी हैव टू वेयर द बिकिनी एंड वी हैव टू शो द मसल्स, नॉट अ बिग मसल, अ फेमिनाइन मसल। So you will see your body, you know, you will show your lean muscles in the stage with the bikini. It was like that. So the bodybuilding is a completely different, where you are looking like a male and again you are showing the muscular female part. So here will be the female, your feminine part you are showing in the, you know, more on the ripped stage. Body. More ripped and lean with okay. The feminine beauty and the adai and all these things there. Saw your video as well. Yeah. So, any questions you guys have? You want to talk about it? Any questions? When you are going to the training period, like initial stage, so did you ever felt it was so hard? Arey yaar, main isko chhod raha hu. I want to leave this. So many times. I don't want to leave. Ka I can't say that. But sometime when you want to push harder, you know. लाइफ है, सबके अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, इमोशनल ट्रॉमा, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एवरी डे, डे टू डे लाइफ सब लोग फील करते हैं, उन सबको फेस करते हैं, उसको आपको लेके जिम में जाना एंड देन डू द वर्कआउट, कभी कभी आप पुश नहीं कर पाते हो। सो देन माय कोच सेड, जो भी तेरा ड्रामा है ना जिम के बाहर रख के आओ, यहाँ पे आते हो एक घंटा दो घंटा, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, वॉट एवर यू आर डूइंग हियर, नथिंग एल्स। So sometime it was like that, I can say that mood kabhi swings hota tha ya kabhi kuch hota tha, I'll try to push, thoda hi karke ruk jate the, and that time I was, you know,
कि क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ, यू नो व्हाट विल आई डू, कब तक होगा, कैसे होगा, मतलब आई वॉज लूजिंग माई पेशेंस दैट टाइम, बट दैट टाइम माई कोच केम एंड दे सपोर्ट लाइक एनीथिंग. So guys, now I just want to keep the open session because we have a lot of guests and they have a lot of questions about their future, about this competition and everything. So I will keep the session open. Over to you girls. Please ask questions. As you stated before in your conversation, like when you came to Bangalore, you said you weighed 84 kgs, right? So when you went to first time to the gym, then how was your feeling? Did you face any kind of difficulties or did anyone laugh at you? Or like what was your feeling? Nobody laughed, I can say that on me, on anybody, you know. Gym mein hum log basically jaate, agar hum log fit ho, then why should we have to go to gym? Simple thing. You know, we have something, we are feeling we are overweight or we don't have a good physique or we want to achieve something, we want to become more fitter, that's why we are going to the gym. It's completely fine. People are watching, I saw in a gym also, you know, there are some gyms. Jahan pe hota hai ki kuch zyada wo aa jaate hain, so they will comment. Yes. When you are being a female, जब आपका weight थोड़ा ज़्यादा होता है, attention थोड़ा कम मिलता है आपको, you know, you will get the very less attention and all these things. But when you are becoming leaner, वही, you know, then you will get on. Then it will be fine. Any more questions? So when you choose this path, so when you told your friends, obviously they will support you. Mm-hmm. But other people like relatives or friends or so many people, they will be like, "Arey yaar, ye to ladki hai, wo kya karegi? Do you think she can?" Oh, obviously they will come to your parents and they will tell like, "Ah, do you think she can do? Why this career? Let her leave." These things will happen. So how did you manage and what message you want to tell to those people who said this? See, I want to tell every female why I chose this sports is because, as I told you, that from the childhood I'm very sporty. So some or the other sports I will play. But now I'm 35 and I can't go to any other sports. Simple thing, you know, you have to see the face, the practicality also. And I found my passion in that. In this sports, you can go on and on and on. There is no age bar. Jitna zyada aap jayenge, utna zyada aap achieve karenge. That's why I just learned that sport and I want to be like that. And you can get everything what female wants in this sport. The good physique, the glamour, the camera, you know, the achievement, and the, you know, people will appreciate you also, you know, that's jo struggle aapka hai, jo hard work hai, you can show. Basically, you're proving yourself ki aap bhi kuch kar sakte hain. That's all. Who inspired you for this? Except your Guruji. Oh, of course, my Guru is the big, I can say that meri journey mein 90% jo role hai, that is my Guru, Mr. Harish Krishnappa. He is the only person, because of him I'm here right now. So inspire, I can say that, you know, inspiration apne aap aa jata hai. You know, when you want to do something, aapko click hota hai apne aap. When the time comes, it will click. I don't say that ki wait for the time, wo chal ke apne aap aayega. बट आपको कुछ चीज़ें अपने पास से भी जोड़नी पड़ेंगी. दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो फ्रॉम द चाइल्डहुड आप कैसे थे, क्या करते आ रहे थे, क्या क्या आपको अच्छा लगा. सडनली जब वो चीज़ें सब एक साथ में मिल जाते, देन यू विल गेट टू नो कि दिस इज माई पाथ. दैट्स वॉट माई चूज ओनली दिस बुक. दैट्स वॉट यू नो आई मेंशनड एज दैट एज आई एम 35 ईयर राइट नाउ. अभी मैं कुछ और खेल नहीं सकती. I can't go to football, I can't go to any other sports, you know, that will be very difficult for me to get into that. So this, I found my passion in that, and this is my passion, my profession. That's how I made my career in the sports. That will, you know, help me to get, go more. That's all. Any questions? I have seen people taking up 3 months membership in gym, 6 months, 1 year, and not many people will finish the 3 months or sessions. They have the confidence for 15 days and they tag it like, "I'm busy, I'm too busy." So what is the one thing that motivates you every single day? See, that's the thing. I have seen so many people, you know, male, female also, whatever, they will, when they enroll a gym, they just go on the treadmill, elliptical and cross train. Beside that, they will not use any, very rare they will use the machinery and the dumbbells and all these things. Because, see, ye
कुछ हम लोग बोल न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी होता है किसी किसी का, यू नो दे जस्ट वांट टू, आज अभी मेरा इस साल का रेजोल्यूशन है मेरे को इतना केजी कम करना है, अभी तो जिम जाना ही जाना है, मैं इतना घटाऊंगा ये करूंगा. सी दे डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन. कुछ पाने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, यू नो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, वेदर इट्स अ पेन, वेदर इट्स योर स्लीप, वेदर इट्स योर वर्क, वॉट एवर इट इज. कुछ छोड़ोगे तभी तो कुछ अचीव कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट डू इट. अगर सब कुछ एक साथ रखना चाहते हो दैट विल नॉट पॉसिबल. जिम जाने के लिए कंसिस्टेंट करने के लिए आई कैन से दैट देर इज़ अ वेरी गुड फॉर्मूला, यू कैन गो फॉर 21 डेज हैबिट. 21 डेज आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि आपको क्या करना है. दैट्स हाउ इट विल यूज टू वेदर यू वॉन्ट टू वेक अप अर्ली, वेदर यू वॉन्ट टू गो टू द जिम रेगुलरली, यू वॉन्ट टू क्विट समथिंग द स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट विल हेल्प. So that is a very good formula. So my motivation, okay, fine, come to your for my motivation, I can say that mera profession hi aisa hai, you know, every day I go to, I love this. So I can say to everybody, if they follow their passion, you can get success in that. So you just have to follow your passion. Unnecessary, don't do things which you don't like. एक क्वेश्चन मेरे पास है, सिंस यू टॉक अबाउट पैशन, कोविड के समय पे जब लॉकडाउन हुआ, ओके, सब लोग घर पे बैठे थे और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था फिटनेस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में पड़ा, काफी लोग जॉबलेस हो गए. तो प्लान बी क्या है आपका कि अगर ये नहीं है, सपोज करो अगर लॉकडाउन फिर से होता है तो प्लान बी क्या होता है? सी विद मी आई कैन से दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड सोल, मेरे को ऑलवेज भगवान का तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा ही है, तो प्लान बी अपने आप ही रेडी रहता है. सो आई कैन से दैट आई वॉज इन टू ऑल टाइम, आई वॉज इन टू फिटनेस एंड ऑल दिस थिंग्स. लास्ट टाइम व्हेन द कोविड हैपेंड, मेरे सारे क्लाइंट्स चले गए थे, आई डोंट हैव मनी टू ईट. देन आई थॉट ओके व्हाट टू डू, देन आई स्टार्ट ओके फाइन लेट मी जस्ट स्पीक टू द क्लाइंट, एंड आई स्टार्टेड यू नो मेकिंग सम फूड फॉर देम, द डाइट फूड जो डाइट पे उनको लिख के देती थी दैट यू हैव टू डू इट, और वो लोग अपनी मेड को बोलते थे बनाने के लिए, वो मैंने खुद से बना के उनको सेल किया. दैट्स हाउ आई अर्न, यू नो, एंड दे रिड्यूस वेट ऑल्सो इन दैट, एंड दे अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड एंड ऑल दिस थिंग्स, दे लाइक दैट. दैट्स हाउ आई, यू नो, दैट आई कैन से दैट माई स्ट्रगल इज. सो डिड यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन बिटवीन profession and passion, yes, right? So I always talk about it ki agar aapko passion follow karna hai saath mein ek profession saath mein leke chalo. That is very important, because if you see passion ko follow karne ke liye, again kuch bhi karne ke liye you need money. Agar aap bol rahe ho ki nahi mere ko, I am a painter, I just want to do the painting only, wo paint khareedne ke liye bhi to paisa chahiye na, muft mein to nahi milega. सो पहले अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ दैट यू कैन अर्न दैट मच इनफ सो दैट यू कैन फॉलो योर पैशन. जैसे आप कुछ भी आप अर्न कर रहे हो उसका 20% ऑफ योर सेविंग्स यू कैन, यू नो, कीप इट फॉर योर पैशन, देन यू विल फॉलो योर पैशन एंड योर प्रोफेशन टुगेदर. जब आपको लगता है ओके फाइन, यू आपका इतना हो गया है सो दैट नाउ यू कैन क्विट एवरीथिंग, और साइमल्टेनियसली यू विल वर्क योर पैशन विद योर प्रोफेशन, स्टार्ट कीजिए और कीजिए. See, you will get the success. Isi se pertaining to the same topic, to educate the youth, or especially parents, jo unka kehna hai na, kafi bodybuilders ko bhi heart attacks hue. Stage pe wo unki death hui, right? Abhi logon ka kya mindset ho gaya, khaskar parents ka kya mindset ho gaya hai ki jo hum log protein lete hain, that is a main reason. They have telling you one thing. I was talking to one of the parents and they said that नहीं, मेरे बच्चे को प्रोटीन मत बनाना, वो मर जाएगा. तो आप बताओ, आप एक एथलीट हो, आपने कॉम्पिटिशन खेला है, मैंने कॉम्पिटिशन नहीं खेला, तो आई हैव नो राइट टू से एनीथिंग अबाउट इट, आल्दो आई एम ट्राइंग, बट आप बताओ कि ये वाकई प्रोटीन खाने से डेथ होती है क्या? सी प्रोटीन आपको सब चीज में मिलता है, आप दाल खाते हो उसमें भी आपको प्रोटीन मिलता है, पनीर खाते हो उसमें भी, दही खाते हो उसमें भी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी फूड्स में प्रोटीन होता है. क्वांटिटी कितना होता है ये डिपेंड करता है, ग्राम्स में डिफरेंस हो जाता है कि उसमें 5 ग्राम है, उसमें 20 है, उसमें 25 है, इट्स विल बी लाइक दैट. प्रोटीन से किसी को कुछ नहीं होता है. द मेडिसिन, अगेन आई केम बैक टू दैट सेम क्वेश्चन, द स्टेरॉइड विच यू आर टेकिंग, द क्वांटिटी ऑफ स्टेरॉइड विच यू आर टेकिंग
that will work. So protein is not, guys. No. I'm telling you, parents. Completely, it's just a normal, you know, the carbohydrate, the fat. That's how the protein is. उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बच्चे अगर जिम जा रहे हैं अगर प्रोटीन ले रहे हैं वो तो प्रोटीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप वो खिला सकते हो लेकिन हाँ जैसा नेहा ने बोला कि प्लीज डू नॉट अलाउ देम टू हैव एनी ड्रग्स रिकमेंडेड बाय एनीवन अनटिल दे गो फॉर द प्रॉपर चेकअप मैंने एक चीज और भी इनको बोला था कि कोई भी बच्चा कोई भी इंसान अगर जिम जा रहा है तो जाने से पहले अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ उसके बाद That's very important. और अपने आप को उस कोच को दिखाओ कि तुम्हारे ऑर्गन्स के क्या कंडीशन है क्योंकि आपके कोच को नहीं पता ना कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है अगर कोई बंदा वेट लूज करने के लिए जा रहा है आप जाओ दे कैन सी द एक्सटर्नल पार्ट इंटरनल दे आप ट्रेडमिल दौड़ने चले गए आपके हार्ट बीट ज्यादा हो गया आप वहीं पे गिर गए आपकी किडनी खराब उसने आपको क्रिएटिन ज्यादा दे दिया आपकी किडनी में उतना फंक्शन नहीं कर पा रहा है वो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं सबको यही बताऊँ कि जाने से पहले एक बार अपना पूरा बॉडी चेकअप करा के अपने कोच को प्रेजेंट कराओ दिस इज द होल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी एंड यू हैव टू कंसल्ट विद द ट्रेनर ऑल्सो यू नो यू हैव टू टेल ऑल योर इंजरीज एंड द डिटेल्स फॉर योर पास्ट कि कहाँ कहाँ पे आपको इंजरी हुआ एंकल में हुआ कोई एक्सीडेंट हुआ कहाँ पेन है क्या नहीं है यू हैव शुगर डायबिटीज बीपी व्हाटएवर इट इज योर इशू पीसीओडी हार्मोनल इंबैलेंस फीमेल्स को अभी कितना पीसीओएस पीसीओडी कितना ज्यादा रह रहा है यू हैव टू टॉक अकॉर्डिंगली दे विल डिजाइन एंड गाइड यू अगर आप छुपा छुपा के रखेंगे यू कांट से एनीथिंग सी सब ऑलवेज बोलते हैं कि डॉक्टर नाई और एक और चीज वकील तीनों एक ही रखो I will say that trainer भी एक ही रखो क्योंकि सबको सब कुछ नहीं बता सकते लेकिन उसको सब बता सकते then only they will transform you अगर आप कुछ छुपाएंगे उनसे they can't guide you otherwise हम आप ही को होगा और प्रोटीन one more point I want to add in that protein is nothing is whey जो दूध को बॉइल करके उसका जब फाड़ के पनीर बनाते हैं तो उसके नीचे का जो पानी होता है that is whey that is protein उसको पाउडर फॉर्म में डाल के they will box Mm-hmm. So it will not harmful at all. That will add on in your muscle and you need, if you are going to the gym, you require more protein. If you want to build muscle, you require more protein. But along with that, you have to take fibers also to digest that protein. एक ही चीज पे और अगेन अति हर चीज की बुरी होती है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड सो अगर ये जो प्रोटीन का जो है I'm sorry to interrupt you. ये जो फीमेल है जैसा मैंने आपने बताया कि उनको कंसीव भी करना होता है डिलीवरी भी है तो साइड इफेक्ट्स हैं कि मतलब आप जो वर्कआउट कर रहे हो जैसे आपने कहा कि आपको पीरियड्स में भी करना पड़ेगा तो क्या प्रोटीन का देयर इज नो साइड इफेक्ट प्रोटीन इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर फीमेल्स बिकॉज बीइंग अ फीमेल वी हैव लेस मसल इन आवर बॉडी नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो और एवरी फीमेल यू नो मेल और फीमेल वॉट एवर इट इज दे नीड 1 gram ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू देयर 1 kg You know, if I'm 54 kg, I need 54 grams of protein every day to sustain my body. That will give energy for me to, you know, to do the day-to-day workout and all these things. I'm talking about the daily household job, not the gym. Mm-hmm. So if you are going to the gym, you need little more, okay. you know, to build the more muscle. And we female needs more muscle because the thing is that hum logo ka delivery ke baad mein pura body structure change ho jata hai. 30 के बाद में बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाता है विल डू द हेयर फॉल स्किन फ्लेकी देन अगेन प्री मेनोपॉज का सिचुएशन लोअर बैक पेन सो मेनी पीपल जिनका सिजेरियन हुआ होता है उनके तो लोअर बैक में इंजेक्शन लगते हैं कॉन्स्टेंटली दे विल बी इन दैट पेन ऑल द टाइम सो दे नीड यू नो गुड मसल टू बिकम दे स्ट्रक्चर दे डोंट वॉन्ट बल्की सैगी स्किन एंड ऑल दिस थिंग्स नोबडी लाइक्स दैट सो दैट्स हाउ यू नो वी नीड वी रिक्वायर मोर प्रोटीन राइट राइट Any more questions we have? Yeah. Since you have mentioned, like what is the food diet you can suggest for female? See, it's depend on individual. So I can say people who are vegetarian, non-vegetarian, I will tell them, count your food. Jo bhi kha rahe hain, take, you know, split 3 meals into 6. Rather than taking big 3 meals, go for a 6 meals. Small meals khaiye, that will help. And add protein in your diet, that's very necessary, whether it's a vegetarian or non-vegetarian source of protein, or you can go with the whey also. Any kind, you know, brand of whey. So, this, jo Neha, jo 6 meals aap bata rahe ho, it depends karna na ki aapko skinny hai, they want to put on weight. That's what, it's depend on individuals also. Right. If, to suppose karo, aap two diets aise batao, ki haan bhai, jo skinny ho, उनके लिए क्या वो कर सकते हैं जो ओवर हो वो
क्या फॉलो कर सकते हैं स्किनी के लिए सी अगेन आई कांट से दैट आई कैन टेल यू द डाइट बिकॉज इट दैट विल बी वेरी यू नो डिपेंड ऑन द पर्सन कंडीशन उनका इंटरनल क्या है क्या हार्मोनल इंबैलेंस है क्या इंजरी है क्या नहीं कोई फूड इंटॉलरेंस है या नहीं देन ओनली वी कैन सजेस्ट द डाइट टू द पर्सन What I will suggest is, you know, whatever you are eating, there will be, for skinny, you can go with a muscle gain diet, you know, which will help you to gain more muscles in your body, which you can add a good amount of fat in that, the more carbs, because आपका जो skinny people है, उनका metabolic rate बहुत ज़्यादा high होता है, तो आप carbs ज़्यादा खाइए, ताकि जो भी protein आप लें, वो sustain रहे, क्योंकि अगर आप इतना carbs खाएंगे और इतना protein खाएंगे, वो सभी mix हो जाएगा. अगर आप इतना कार्ब्स खाएंगे और इतना ही प्रोटीन खाएंगे तो आपका मसल इंपैक्ट रहेगा क्योंकि आपका जो भी बॉडी एनर्जी ले रहा है वो कार्ब्स से ले रहा है सो ईट मोर कार्ब्स दैट विल माय सजेशन ऑफ कोर्स फॉर द यू नो पीपल हु आर लिटिल बल्की दे हैव टू अगेन बैलेंस द कार्ब्स फाइबर्स एंड द यू नो द फैट ऑल्सो एंड दे हैव टू वर्कआउट मोर ऑन द कार्डियो एंड द स्ट्रेंथ बोथ टुगेदर अगेन देर इज वन मोर थिंग पीपल आर थिंकिंग मेरे को वेट लॉस करना है वेट लॉस करना है Don't go for the weight loss, you know, go for the healthy body. If people wants to weight loss, aap ek diarrhea ka tablet le lijiye, ek din mein 2 kilo loss ho jayega. Because you are completely, aapka body mein se paani tak aapka nikal jayega. You will reduce your weight, but how you look like that time? Fully dehydrated, logo se miloge bolenge, bimar lag rahe ho aap to. We don't want that kind of a weight loss. We want the healthy weight loss where our skin cells are glow, you know, glow kare. Hair will be grow, hair pura ye na ho, hair loss na ho, pura aapka body bhi pura structural rahe, pura toned rahe body. That's how, where you are feeling more energetic. That's called a weight, good weight loss journey, I can say that. I don't want to see the, I always tell my clients that don't see the scales all the time. You know, weight loss journey, it's like that. I can say that you have, whenever you will enroll yourself in a gym or any other fitness activity, you just have to see, aapko apni body ko sunna chahiye ki aapka body kya bol raha hai. Listen to your body first. And the second thing, agar jo cheeze aapki hain, for example, aapko PCOD hai, PCOS hai, high BP hai, sugar hai, you're feeling very tired, fatigued because of the low hemoglobin and all these things, agar wo reverse ho raha hai, ya kam ho raha hai, You are in a good path. That's the thing. That's very important because you want to be fit. So, हमारे बहुत ज़्यादा ये industry में रहता है skinny, 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 skinny. Skinny is nothing. Okay, fine. Skinny तो जिनका metabolic rate का high होता है, you know. Don't mind. I'm just mentioning the people like you. You are skinny, but still you are not satisfied. Why? Because you want to gain. So that's the thing, you know. You have to be like that only. Whatever is your body type, it's completely fine. You have to see. And there is no formula diet. And I saw so many YouTubes and all these things. Pani mein kuch ghumao, usko piyo, go for the chia seeds, this and that. You know, turmeric water, this will help, this will help. 7 din mein belly ghataiye, 6 din mein abs banaiye. Hum log 2.5 saal se yahan pe kaam kar rahe hain, itna mehnat kar rahe hain. It will take lot of hard work to get into that. I agree with you because I'm on the same track. That's how. We work together in the same gym, so I understand. It's not that easy. Any more questions we have, guys? Is it dangerous to work out during periods or holding? No, it's not dangerous. It's depend on you. What I'll suggest for female to, you know, respect yourself first. Khud se thoda pyar karo, you know. I want to mention one thing here. I'm sorry all the males are here. Please don't take me little wrong. What I want to say is, because we are female and it's natural for us to bleed for 7 days. Being a male, चाहे एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए जरा सा उनका खून बह जाए तो इमीडिएटली सलाइन लगाते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं फ्रूट्स दो ये दो वो दो वाई बिकॉज इट्स वेरी अननेचुरल खून तो खून है यार ब्लड इज ब्लड वेदर इट्स कमिंग आउट फ्रॉम द मेल और द फीमेल लेकिन मेल को वो सब नहीं झेलना पड़ता जो हमको झेलना पड़ता है एंड देन वी आर थिंकिंग इट्स नेचुरल ये तो हर महीने आता ही रहेगा ये तो हर महीने ही चलता रहेगा दुनिया थोड़ी रुक जाएगी टेक रेस्ट दैट टाइम दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट Because that time आपका पूरा body change हो रहा होता है internally and externally both. जो सर दर्द जो पैर फूलना पेट में दर्द the cramps and dehydration, the back pain, thigh pain, all we are feeling that time. Nobody can, you know, understand that.
टेक गुड रेस्ट. 3 दिन में यू कांट चेंज योर सेल्फ इन अ जिम. 3 दिन में 4 किलो वजन नहीं कर डालोगे आप. यू कांट बिकम लाइक अ करीना कपूर इन 3 डेज. सो टेक अ गुड रेस्ट. When your body recover, go and do the workout. Completely fine. Okay. Any more questions we have for Neha? Okay. So Neha, to conclude this conversation, what message you want to send out to my viewers, especially the female viewers we have? What message you gonna share with them? See, I want to say every female, you know, just confidence on yourself and trust on yourself. Whatever the way you are, you have some spark in you. थोड़ा सा धूल छाटो वो निकल के अपने आप आ जाएगा. Forget about the people, what they are thinking, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे. Listen to your own. थोड़ा खुद के साथ time spend करो. हम लोग दूसरों को इतना time देते हैं कि खुद से बात करना भूल जाते हैं. Then we are complaining to others. You know? So don't complain to others. Listen to yourself first. Khud se baat karo. Note it down. What do you like? What do you want to do? And be confident. Act on that. My small thing is I want to let kuch bhi karo. Do some actions. Kyunki har action ka reaction zarur hoga. Der saver ho, lekin hoga zarur. So do some actions. That's very important. Very nice. So guys, we're going to conclude this conversation here. Thank you so much, Neha. Thank you so much for joining, and all the guests, thank you so much. We have a small token of appreciation for you. Uh-huh, thank you. Please, guys, join me and just give it to Neha. Thank you so much. Okay, guys, that's all from my end. Milte hain aapse next episode mein. Tab tak ke liye, bado ka namaskar, chodo ka pyar. Thank you for watching this video. Friends, agar aapko content pasand aaya, please is channel ko like kare, subscribe kare, and don't forget to press the bell icon, jisse aapko next video ka notification mil jaye. Thank you. Bado ko namaskar, choto ko pyar.